लैंडिंग से ठीक पहले रूस को लगा बड़ा झटका। ऑर्बिट बदलने के दौरान लूना 25 हुआ बेकाबू। एकाएक चांद की सतह पर जा टकराया रूस का अंतरिक्ष यान। नासा को मिला लूना 25 का मलबा। दोस्तों, रूस की तरफ से एक बहुत ही शॉकिंग खबर सामने आ रही है। दरअसल रूस का लूना 25 लैंडर, जो चंद्रयान 3 से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था, उतने में रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चांद से टकराकर क्रैश हो गया है। दोस्तों, ये जानकारी खुद रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने दी है। जबकि एक दिन पहले शनिवार को रॉसकॉस्मोस ने प्री लैंडिंग ऑर्बिट में लूना 25 को भेजने में केवल दिक्कत के बारे में बताया था। लेकिन साथियों, वो कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली जो रूस के साथ हो गया, फिर अगले ही दिन रॉसकॉस्मोस ने रविवार को बयान में कहा कि स्पेसक्राफ्ट एक अप्रत्याशित कक्षा में चला गया और चंद्रमा की सतह से टकरा कर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जी हाँ, रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने हड़बड़ी में 50 साल बाद अपने मून मिशन को लॉन्च किया था और 22 अगस्त के दिन ये चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला था। लेकिन जैसे ही रूसी वैज्ञानिक इसकी ऑर्बिट बदल रहे थे, तभी एक तकनीकी खराबी ने दस्तक दे दी, जिसने कुछ ही पलों में रूस के 1600 करोड़ रुपए के इस मिशन को तहस नहस कर दिया। तो आखिर कैसे क्रैश हुआ रूस का लूना 25 और कहां पड़ा मिला इसका मलबा, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पिछले कई दिनों से चंद्रयान 3 और लूना 25 की स्पेस रेस की खबरें चर्चाओं में बनी हुई थी, क्योंकि रूस भारत से आगे निकलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहले फतेह पाना चाहता था। इसलिए उसने हड़बड़ी में अपने लूना 25 स्पेसक्राफ्ट को चांद के लिए रवाना कर दिया था। लेकिन बड़ी खबर यह है कि रूस के लूना 25 मिशन को बड़ा झटका लग गया है और तकनीकी खराबी के कारण रूस का यह मून मिशन फेल हो गया है, जो सुनकर रूस के प्रेसिडेंट पुतिन की हालत खराब हो गई है और वो स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस से बात तक नहीं कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि इसरो और नासा समेत दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज के वैज्ञानिकों का कहना था कि रूसी स्पेस एजेंसी जिस द्रुत गति से काम कर रही है, उसमें मिशन में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर हो सकती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है लूना 25 के साथ। दरअसल शनिवार के दिन 2:10 पर मॉस्को टाइम पर लूना 25 चांद के बेहद करीब पहुंच गया था, यानी कि वो 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में चक्कर काट रहा था और अब वो प्री लैंडिंग ऑर्बिट में जाने वाला था। ये वो ऑर्बिट होती है जिसकी न्यूनतम ऊंचाई से लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए आगे बढ़ता है और यही लैंडर के सफर की सबसे आखिरी ऑर्बिट रहती है। रूस के मामले में प्री लैंडिंग ऑर्बिट की साइज 100x18 किलोमीटर थी, जिसमें दाखिल होने के लिए यह अपने आप को डिबूस्ट करने वाला था। इस प्रक्रिया के लिए लूना 25 में एक एडवांस तकनीक टेक्नोलॉजी फिट की गई थी, जो रॉसकॉस्मोस के ग्राउंड कमांडर सेंटर को इंपल्स यानी संकेत भेजती थी कि अब सही में यह सही जगह पर पहुंच गया है, तो आप बटन दबाकर मेरी ऑर्बिट को छोटा कर दीजिए। और हमेशा की तरह लूना 25 की उस टेक्नोलॉजी ने रूस के वैज्ञानिकों को संकेत भेजा और उन्होंने बटन दबाकर उसकी ऑर्बिट छोटी करने की कोशिश की। लेकिन इस बार लूना 25 ने इस कमांड का रिप्लाई ही नहीं दिया, जिसके बाद रूसी वैज्ञानिकों ने अनेक बार ऑर्बिट बदलने के कमांड भेजे, लेकिन लूना 25 ऑर्बिट बदलने की प्रक्रिया को अंजाम ही नहीं दे रहा था। उसके इंजन चालू ही नहीं हो रहे थे। यहां रूसी स्पेस एजेंसी के कमांड सेंटर में इमरजेंसी लग गई, भगदड़ शुरू हो गई थी और चांद की कक्षा में लूना 25 ऑर्बिट बदले बिना ही तय की गई जगह से आगे निकल चुका था, यानी अपना रास्ता भटक चुका है। जिसकी खबर देते हुए रूस ने कहा कि लूना 25 ने हमें स्पेसिफिक पैरामीटर्स के साथ मैनुअल परफॉर्म नहीं करने दिया। आपको बता दें कि इस वक्त रूस का लूना 25 काफी आगे निकल चुका है, उसने खुद को इमरजेंसी मोड में डाल दिया है। हालांकि शुरू में तो उन्होंने कहा कि हम लूना 25 से संपर्क साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्पेस क्राफ्ट की तरफ से कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा है। ऐसे में रूस के वैज्ञानिक के अलावा पूरी दुनिया इस मून मिशन के फेलियर का ठप्पा लगा चुकी है।
क्योंकि अगर हम अतीत में जाकर किसी भी फेल्ड स्पेस मिशन पर नजर डालेंगे तो यही बात सामने आती है। जब ग्राउंड टीम का स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट जाता है तब फिर संपर्क बनाना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो पहले ही क्रैश कर चुका होता है। जैसा कि आज से 4 साल पहले जब हमारा चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के साथ संपर्क टूटा तो वो एक चांद की सतह पर गिरकर फिर क्रैश हो गया था और वैज्ञानिकों की काफी कोशिशों के बावजूद भी संपर्क नहीं बन पाया। और फिर आखिरकार रविवार को रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने भी बयान दिया कि लूना 25 पूरी तरह से फेल हो गया है। दोस्तों यहां गौर करने वाली बात यह थी कि भले ही रॉसकॉस्मोस कुछ समय के लिए कहें कि हम संपर्क साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश मीडिया के मुताबिक रूस का लूना 25 पहले ही क्रैश हो चुका था, जिसकी खबर कुछ समय के लिए छिपाई जा रही थी ताकि मामला ठंडा हो जाए और दुनिया भर में रूस की बदनामी ना हो। क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के चक्कर में रूस ने इस मिशन में काफी हड़बड़ी कर दी थी और शायद इसी वजह से ही इसमें तकनीकी खराबी आई है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज ने तो इस मिशन को तुरंत ही फेल करार भी दे दिया था और उन्होंने चांद की सतह पर लूना 25 का मलबा ढूंढना भी शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ जिस चीन ने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए लूना 25 को जल्दी लॉन्च करने के लिए रूस के कान भरे थे, वो अब रूस की मदद करने से पीछे हट चुका है। बताया जा रहा है कि लूना 25 को खोजने के लिए रूस चीन से मदद की गुहार लगा रहा है और कहा है कि तुम चांद की कक्षा में घूम रहे अपने ऑर्बिटर और ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके लूना 25 को खोजने में हमारी मदद करो। लेकिन चीन ने रूस को दगा देकर अपने कदम पीछे ले लिए हैं, क्योंकि वो फेल हुए मिशन का साथी नहीं बनना चाहता, जिससे प्रेसिडेंट पुतिन गुस्से से आग बबूला हो चुके हैं और उन्होंने चीन से बदला लेने की धमकी भी दे दी है। साथियों आपको बता दें कि जहां रूस का लूना 25 अपनी ऑर्बिट नहीं बदल पाया और संपर्क टूटने से चांद की जमीन से टकरा गया, वहीं भारत का चंद्रयान 3 जो बिना कंपटीशन की परवाह किए पिछले 42 दिन से आराम से अपने सफर में आगे बढ़ रहा है, उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है और इस वक्त वो 100 किलोमीटर से भी कम की कक्षा में चांद की परिक्रमा कर रहा है। और चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपने तय किए गए समय यानी कि 23 अगस्त के दिन शाम के 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और यह खुशखबरी ये है कि इसरो ने 140 करोड़ भारतीयों के साथ इस पल को सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया।